गुड मॉर्निंग माई डियर चिल्ड्रेन एंड पेरेंट. इन द लास्ट वीडियोज वी हैव टू कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर आई वॉन्ट एंड आफ्टर द एक्सप्लेनेशन वी हैव टू कंप्लीटेड वर्ड मीनिंग एंड टिक एंड क्रॉस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. And question answer will be have completed. Today we are going to start the new question answer of this chapter is what would you do if you have a magic wand. Dear students, if you have a magic wand, अगर आपके पास एक magic wand मिल जाए आपको तो आप उससे क्या करोगे. Just imagine. I would turn it round and round and turn a book into a. What is your imagination? आप बुक को किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो. जस्ट आप इसको ये भी बता सकते हो कि आप अपने बुक को जब आपकी मैजिक वैंड मिल जाएगी, जादू की छड़ी मिल जाएगी, तो आप अपने बुक को कन्वर्ट कर दोगे लैपटॉप में. ओके तो इस तरह से आपकी इमेजिनेशन इसमें शो करना है. आई वुड टर्न अ डॉग इंटू अ. आपकी इमेजिनेशन क्या कर रही है. आप अगर आपको मैजिक वैंड मिल जाए तो आप डॉग को किस चीज़ में कन्वर्ट करोगे. एज योर विश राइट डाउन हियर. ओके नेक्स्ट आई वुड टर्न अ पेंसिल इंटू अ. आप पेंसिल को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दोगे. राइट हियर I would turn you into a. आप अपने आप को किस चीज़ में कन्वर्ट करोगे. ठीक है दिस इज फोर फिल इन द ब्लैंक्स राइट इट ओन सेल्फ. अगर आपके पास मैजिक वैंड हो जाए तो ये फोर चीज़ों को आप किस किस चीज़ में कन्वर्ट करोगे. बस वन वन वर्ड के आंसर राइट डाउन करना. आफ्टर इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज Now write about your favorite animal or bird by completing these sentences. Here are four sentences. Just you can see. Okay. So your favorite animal or bird name right here. You can write my favorite animal or bird is lion. Okay, my favorite bird or animal is lion. I like it because आप इसे पसंद करते हो क्योंकि यह it is big and strong. Lion कैसा होता है. Big and strong होते तो उसके quality लिखोगे आप, speciality लिखोगे कि ये आपको क्यों पसंद है, ये animal या bird आपको किस लिए favorite है. So right here I like it because it is strong. मैंने lion बोला तो lion तो strong होता है. अब आप जिस भी animal या bird के बारे में लिखोगे उसके बारे में आप लिखोगे. ठीक है I don't like it because मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि it क्यों नहीं पसंद करते हो. lion की dislike क्या होती है. कुछ lion की like होती है, कुछ lion की dislike होती है. तो हम लाइक करते हैं इसलिए क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग है और हम लोग डिसलाइक करते हैं कि इट ईट्स अदर एनिमल या दूसरे एनिमल्स को खाता है, इसलिए हम इसको डिसलाइक करते हैं. आई थिंक इट लुक्स लाइक टाइगर. लॉयन किसकी तरह दिखता है. टाइगर की तरह फ्लैश खाता है, मांस खाता है और टाइगर की तरह ही रहता है. इसलिए आई थिंक इट लुक्स लाइक टाइगर. यू कैन राइट इट. ओके And next question is match the animal to its group. Group means होती है झुंड. जैसे बहुत सारे animals जब एक साथ चलते हैं तो उनको group बोलते हैं. एक साथ बहुत सारे animals, birds सब कुछ एक साथ रहते हैं बहुत सारे, तो उनको group बोलते हैं, झुंड बोलते हैं. तो a bee, आपने कभी एक bee को उड़ते हुए देखा है. Yes. और बहुत सारे बी एक साथ उड़ते हैं तो उनको ग्रुप ऑफ बी बोलते हैं. तो उस ग्रुप का क्या नाम होता है. सो मैच हियर द इंसेक्ट और एनिमल्स और बर्ड विद देयर ग्रुप.
लुक हियर इन द पिक्चर, अ बी मैच विद अ स्वार्म ऑफ बीज. स्वार्म मतलब होता है बहुत बड़ा झुंड, ग्रुप बोलते हैं, बीज के ग्रुप को स्वार्म बोलते हैं. ओके, सो मैच इट, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड मैच इट. अ काउ, एक काउ है और बहुत सारे जब काउज होते हैं एक साथ तो उसको हैर्ड बोलते हैं, अ हैर्ड ऑफ काउज. अ लॉयन, एक लॉयन, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, यानी बहुत सारे लॉयंस एक साथ हैं. अ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल टू मी. ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय.